लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। मथुरा के पास कृष्ण की नगरी वृंदावन में एक जगह ऐसी है जहां पर श्री कृष्ण आज भी आते हैं और गोपियों के साथ रासलीला क्या करते हैं मान्यता है। श्री कृष्णा रात में यहां पर आते हैं और यहां पर लीलाएं करते हैं। वृंदावन में वैसे तो बहुत सारे मंदिर हैं, लेकिन निधिवन की बात कुछ अलग है। इस मंदिर की बहुत सारी रहस्यमयी बातें हैं। कहा जाता है कि रात होने के पश्चात यहां पर इंसान ही नहीं बल्कि जानवर भी इस वन को छोड़कर चले जाते हैं। मंदिर के पुजारी और अन्य लोगों का कहना है कि जो भी व्यक्ति रात के समय उस वन में रुक जाता है या फिर रात के समय उस लीला को देख लेता है तो वे सुबह बेहोश मिलता है और 2 से 3 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो जाती है। यह मंदिर रात को 8 बजे बंद हो जाता है। इससे पहले श्री कृष्ण का चांदी का आसन लगाया जाता है और फूलों की सेज बिछाई जाती है। 16 श्रृंगार का सामान रखा जाता है और लड्डुओं को रखा जाता है और साथ ही पान के बीड़े भी रखे जाते हैं। इसके अलावा है यहाँ पर सुबह के लिए दातुन और एक लोटा पानी भर कर रखा जाता है। लेकिन जब सुबह मंदिर का दरवाजा खोला जाता है तो लड्डुओं का भोग लगा होता है। 16 श्रृंगार का सामान बिखरा हुआ होता है। दातुन किसी के द्वारा चबाई हुई होती है। इसके अलावा फूलों की सेज भी बिखरी हुई पाई जाती है। इसके चलते सभी लोगों का कहना है कि श्री कृष्ण वास्तव में रात को यहाँ पर आते हैं और रासलीला करते हैं।